हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने वीपीसी एंड पॉइंट लैब। ठीक है, तो वीपीसी एंड पॉइंट लैब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसका यूज केस और इसका नीड क्या होता है, इसका ज़रूरत क्या होता है, उसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देन उसके बाद मैं इसकी लैब स्टार्ट करूँगा तो बेटर होगा आपको अंडरस्टैंडिंग करने में। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे AWS अकाउंट के अंदर मेरा एक बकेट बना हुआ है और मेरे बकेट का नाम जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा है संजय दाहिया 2019। ठीक है, और ये AWS के अंदर बना हुआ है। और अगर मैं आपको इस डायग्राम पे लेके जाऊँ तो ये देखो यहाँ पर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस बकेट को जो AWS अकाउंट के अंदर बना है, क्या इसको मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकता हूँ? ठीक है, तो बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। और ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है। अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस क्या है, माई आईपी एड्रेस करके। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्लियर, तो मैं अपने लैपटॉप से बैठकर इसको कमांड लाइन एक्सेस करूँगा। राइट, कमांड लाइन से एक्सेस करूँगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर हम कमांड लाइन से एक्सेस करने जाते हैं तो पहले आपको AWS कॉन्फिगर CLI कॉन्फिगर करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में। तो यहाँ पर मैं कमांड एक्सिक्यूट करता हूँ AWS कॉन्फिगर, जैसे कि ये चीज़ आपको पता है पहले से। और जब हम CLI के थ्रू अंदर जाते हैं AWS पे तो हमसे ये एक्सेस की और सीक्रेट की मांगेगा। ठीक है, तो देखो एक्सेस की इसने मुझसे मांगा, तो मैं यहाँ से एक्सेस की क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सेस की निकाल लेता हूँ। और वो कहाँ से मिलेगी मुझे, तो इधर से मुझे एक्सेस की सीक्रेट की मिल जाएगी, माई सिक्योर क्रेडेंशियल पे जाके। एक्सेस की पे गया और क्रिएट न्यू एक्सेस की, और यहाँ से मैं एक्सेस की को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं सीक्रेट की को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। रीजन इसने पूछा तो मैंने AP-South1 दे दिया। ठीक है, तो ये मेरे लैपटॉप का कमांड लाइन है। और मैं यहाँ से S3 को एक्सेस करूँगा, उस बकेट को एक्सेस करूँगा जो S3 के अंदर बना है, ये नाम का संजय दाहिया 2019। राइट, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो कैसे एक्सेस करेंगे, कमांड क्या होती है, AWS S3 LS। तो देखो यहाँ पर मुझे लिस्ट हो गया, और मैं चाहूँ तो इस बकेट के अंदर के कंटेंट को भी लिस्ट कर सकता हूँ। बकेट के अंदर का कंटेंट अगर लिस्ट करना है तो ये कमांड एक्सिक्यूट करना होगा आपको। तो ये देखो दोस्तों, एक डॉक्यूमेंटेशन मैंने अपलोड किया था, वो आपको दिख रहा है। ठीक है, इट मींस अगर मैं डायग्राम पे चलूँ तो मेरा लैपटॉप इस बकेट को एक्सेस कर पा रहा है। और क्यों एक्सेस कर पा रहा है पता है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में ना इंटरनेट चल रहा है, इसलिए वो एक्सेस कर पा रहा है। अगर मेरे लैपटॉप पे इंटरनेट नहीं चले तो बाय डिफॉल्ट हम इस बकेट को कनेक्ट नहीं कर सकते, उसका वे अलग होता है। आपको कुछ एड ऑन कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि AWS की जो S3 की सर्विस है ना, AWS क्या बोलता है कि मेरी S3 की सर्विस को बाय डिफॉल्ट आप वाया इंटरनेट ही एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो अभी मैं दोबारा आऊँगा इसके बारे में फिर से आपको एक्सप्लेन करने कि अगर इस पर इंटरनेट नहीं है तो क्यों नहीं कनेक्ट कर सकता। राइट, बाय डिफॉल्ट। और अगर इंटरनेट ना हो और तब भी मैं कनेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या एड ऑन कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ये भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा। ओके, चलो अब ये तो हमने देख लिया अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके। अब मैं बात करता हूं मेरे AWS के अंदर एक VPC है मेरे पास। ठीक है, एक मेरे पास क्या है, VPC है। राइट, इस VPC के अंदर देखो सबनेट है, इस सबनेट का एड्रेस थोड़ा सा गलत आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको
परफेक्ट कर देता हूँ, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो। क्लियर ऐसे। चलो तो देखो मेरे पास एक वीपीसी है मुंबई रीजन में और 2 सबनेट है, सबनेट 1 और सबनेट 2। सबनेट 1 के अंदर एक मशीन है जिसकी आईपी एड्रेस ही है और सबनेट 2 के अंदर एक मशीन है जिसकी आईपी एड्रेस ही है। इस सबनेट के अंदर जो मशीन है उसको मैंने पब्लिक मशीन का नाम दिया है और इस सबनेट के अंदर जो मशीन है उसको मैंने प्राइवेट मशीन का नाम दिया। ठीक है, इसका इसको पब्लिक मशीन का नाम देने का मतलब ये है कि मैं इस वाली मशीन को इंटरनेट पे एक्सपोज करके रखा हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर देखो पब्लिक आईपी एड्रेस दिया है इस मशीन को, तो ये मशीन इस पब्लिक आईपी एड्रेस से होकर बाहर निकल जाती है। इस मशीन को मैंने प्राइवेट मशीन इसलिए नाम दिया है क्योंकि इस मशीन को मैंने कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दिया, इट मीन्स ये मशीन बाहर इंटरनेट पर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो मैं चल के दिखाता हूँ आपको, मशीन पे लेके चलता हूँ और रनिंग इंस्टांस पे गया और ये देखो पब्लिक मशीन। ठीक है, इसकी देखो प्राइवेट आईपी एड्रेस ही है 162 और ये देखो। ठीक है, और इस मशीन को मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस भी दिया है और देखो ये पब्लिक आईपी एड्रेस और जो पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पर IGW पे मिली है। तो अगर ये मशीन इंटरनेट पे जाना चाहता है तो ये वाया पब्लिक आईपी एड्रेस निकल जाएगा और कोई बाहर से अगर इस मशीन पे आना चाहता है तो भी वाया इस आईपी एड्रेस आ जाएगा। ये चीज़ें कैसे ट्रांसलेट हो रही हैं, अगर कोई बंदा बाहर से हिट करता है इस पब्लिक आईपी पे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा इस प्राइवेट की तरफ। अगर ये प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे जाना चाहता है तो इसकी रिक्वेस्ट इसके पास आएगी और ट्रांसलेट करके बाहर निकालेगा। ये चीज़ हमने रूट टेबल पे डिफाइन कर रखा है, वो रूट टेबल हमारा ये था, देखो ये रूट टेबल रहा, ये सोर्स सबनेट और डेस्टिनेशन इंटरनेट का और पॉइंट IGW। ठीक है, तो चलो मैं इस मशीन को एक बार कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट कैसे करूँगा, यहाँ से मैंने इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी किया और अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया एक्सेल नाम का और यहाँ पर SSH EC2 -user@ और वो पब्लिक आईपी एड्रेस और मैंने एक की लगाया। देखो मैंने मशीन को क्या किया, कनेक्ट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मशीन में इंटरनेट चल रहा है, कैसे पता करेंगे, पिंग कर लेते हैं गूगल के DNS को, तो इंटरनेट चल रहा है। तो मेरा आप क्वेश्चन ये है, क्या इस मशीन में मैं इस मशीन में बैठकर उस बकेट को कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं डायग्राम पे चलूँ तो मैं इस मशीन के अंदर आ चुका हूँ और इस मशीन से बैठ कर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मशीन से बैठ कर क्या मैं इस बकेट को कनेक्ट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि इस मशीन में इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, तो मैं कनेक्ट करके एक बार आपको शो करता हूँ। वही आपको कमांड एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, AWS कॉन्फिगर, आपसे मांगा एक्सेस की, तो मैं यहां पर क्या करता हूँ एक्सेस की को कॉपी किया और देन सीक्रेट की और यहाँ पे रीजन AP South 1 एंड आउटपुट फॉर्मेट टेबल। अब मैं आपको कमांड एक्सिक्यूट कराता हूँ AWS S3 LS। राइट, तो देखो लिस्ट हो गया, इट मींस एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा आपके सामने पिक्चर पे चलता हूँ। इस मशीन से बैठ के जब मैंने बकेट को एक्सेस किया तो आपको क्या समझ में आ रहा, क्या ये मशीन ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन बनाई है? नहीं सर, यहाँ से कनेक्शन नहीं बनाया इसने, ये क्या किया, ये बाहर गया इस आईपी के थ्रू बाहर गया और पब्लिक नेटवर्क पे गया, इंटरनेट पे गया और इंटरनेट के बाद दोबारा यहाँ से अंदर आया और फिर कनेक्शन बनाया। ठीक है, तो ऐसे घूम के जा रहा है क्योंकि AWS कहता है कि बाय डिफॉल्ट आप S3 को, जब आप S3 के अंदर कोई बकेट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट आप उसको वाया इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो मशीन आपकी AWS में ही क्यों ना हो। क्लियर, तो इस तरीके से कनेक्शन बना है दोस्तों। तो अगर मैं कोई डेटा को अपलोड करूं तो मेरा डेटा ऐसे जा रहा है,
ऐसे होके जा रहा है, डाउनलोडिंग भी ऐसे होके आ रहा है, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक बाजू में एक मशीन है, ये रही, और इस मशीन पे मैंने पब्लिक आईपी नहीं दिया और इस मशीन पे इंटरनेट चल भी नहीं रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तब तो मैं इस मशीन पे बकेट एक्सेस नहीं कर सकता, अभी तक मैंने जितनी बात किया उसके अकॉर्डिंग तो मैं इस मशीन पे बैठकर बकेट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि AWS क्या बोलता है कि S3 की सर्विस को आप कनेक्ट करने के लिए वाया आपको पब्लिक आईपी ही आना पड़ेगा, इंटरनेट के थ्रू ही आना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर पे देखूं तो मैं इस मशीन पे बैठकर इस बकेट को कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस मशीन को कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं मिली है कि मैं यहां से होकर यहां से अंदर आ जाऊं, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूं इस मशीन पे जाकर। तो इस मशीन की आईपी एड्रेस देखो, ये प्राइवेट, कोई पब्लिक इस पे है नहीं। तो ये रही प्राइवेट मशीन, ठीक है। तो अब प्राइवेट मशीन पे कैसे जाऊंगा मैं? तो प्राइवेट मशीन पे मैं जाने के लिए क्या करूंगा, मैं पब्लिक वाली मशीन को मैंने एक्सेस कर रखा है ये देखो, और यहाँ से मैं जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से जाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर की कॉपी कर लेता हूँ जो मेरे यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमसे ये की मांगेगा। कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पर की को क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और chmod से 700 की मैंने इसको परमिशन दे देते हैं। अब मैं SSH EC2 -user@ और प्राइवेट मशीन की प्राइवेट आईपी को के थ्रू जाऊँगा जो ये रही, ठीक है। और -i और की, तो देखो मैं प्राइवेट वाली मशीन पे चला गया, ये देखो आईपी आ गई। अगर मैं यहाँ पर इफ कॉन्फिग करूँ और आपको दिखाऊँ, ये देखो क्लियर 142। डायग्राम पे चलते हैं तो ये देखो, अब मैं इस मशीन से बैठकर इस बकेट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेम चीज AWS कॉन्फिगर और वही एक्सेस की सीक्रेट की, देन और देन सीक्रेट की को कॉपी कर लेते हैं हम AP South -1 and table, ठीक है। AWS S3 LS करते हैं तो देखो हैंग हो गया ही, और कुछ मिनट के बाद आपको कनेक्शन टाइम आउट का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो एरर कितने टाइम के बाद आता है, ठीक है। 2 मिनट लग जाएंगे तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब वो एरर आ जाएगा तो दोबारा से मैं उसको रिज्यूम करता हूँ, ओके दोस्तों। चलो दोस्तों, तो देखो ये आपके सामने एरर आया कनेक्शन टाइम आउट, और मे बी ये ले लिया 3-4 मिनट, राइट। तो आप जब इसकी लैब करोगे तो आपको भी पेशेंस रखना है, ठीक है। तो देखो ये मशीन बकेट को कनेक्ट नहीं कर पाई, बकेट को एक्सेस नहीं कर पाई, क्योंकि इस मशीन पे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस पे पब्लिक आईपी एड्रेस देना भी नहीं चाहते और इस बकेट को माउंट भी करना चाहते हैं, इस बकेट को एक्सेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके AWS के ऊपर कुछ ऐसी मशीनें होंगी प्राइवेटली जिसको आप पब्लिक आईपी एड्रेस देना भी नहीं चाहते और उसमें इंटरनेट भी नहीं देना चाहते, बट उस पर बकेट एक्सेस करने की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो आज उसकी लैब करने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे काम। तो AWS आपको इसको सलूशन देता है कि आप क्या करो, VPC एंड पॉइंट की सर्विस को यूज करो, और ये मेरी एंड पॉइंट की डिवाइस है, देखो VPC एंड पॉइंट की डिवाइस है। हम क्या करेंगे, इस VPC और S3 के बीच में एक एंड पॉइंट की डिवाइस लगा लेंगे, ठीक है। और ये एंड पॉइंट की डिवाइस प्राइवेटली होगी, अंदर ही होगी, और ये मशीन क्या करेगी, इस एंड पॉइंट से होकर इस बकेट को एक्सेस कर लेगी वाया प्राइवेट, क्लियर। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे मल्टीपल फायदा है कि ये मशीन जब इस बकेट को एक्सेस कर रही है तो इसको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो लो लेटेंसी के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरा फायदा ये हुआ
कि आप यहाँ से बैठ के कोई भी डेटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करोगे तो आपका डेटा वाया इंटरनली होके जा रहा है, इंटरनेट पे नहीं जा रहा, मतलब आपका डेटा भी सिक्योर है, ठीक है। तीसरा फायदा ये हो गया कि आपका कॉस्ट भी बचेगा, क्योंकि AWS बोलता है कि जब AWS के अंदर आप कोई भी EC2 इंस्टांस बनाते हो, अगर वो EC2 इंस्टांस इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसफ़र करता है तो उसके चार्ज अच्छे खासे लगते हैं, ठीक है। बट अगर वही मशीन, वही EC2 इंस्टांस अगर इंटरनली डेटा ट्रांसफ़र करता है तो उसके चार्ज उतने नहीं लगते, ठीक है। तो ये तीन बहुत बड़े बेनिफिट हैं, कॉस्ट भी आपके सेव करते हैं। तो चलते हैं, हम एक एंडपॉइंट क्रिएट करेंगे और उसको अपनी VPC के साथ अटैच करेंगे और ये वाली मशीन को रूट डिफाइन कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो चलते हैं हम अपने VPC की तरफ, यहाँ पे जाते हैं और VPC और VPC के बाद यहाँ पे आएंगे अब नीचे एंड पॉइंट, क्रिएट एंड पॉइंट, ठीक है, AWS सर्विस, और यहाँ पे आपको सर्विस सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हम S3 के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, राइट। ये रूट टेबल आ गया, हमने रूट टेबल सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखो सबनेट दिखा रहा है, दोनों सबनेट एसोसिएट हैं, और क्रिएट एंड पॉइंट क्लोज। तो देखो ये एंड पॉइंट मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो पिक्चर पे चलते हैं, ये एंड पॉइंट मैंने क्रिएट किया और अपने VPC के साथ ही अटैच हो गया। तो अब मैं इस मशीन पे अगर AWS S3 LS करूँ तो देखो पैकेट लिस्ट हो गया, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊँ, इस पे कोई इंटरनेट भी नहीं चल रहा दोस्तों, समझ में आ रही। तो देखो इंटरनेट भी नहीं चल रहा और मैं इस बकेट को कनेक्ट भी कर लिया। इसी तरीके से मैं बकेट के अंदर की चीज़ें भी लिस्ट चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखो ठीक है, तो समझ में आ गई आपको ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक AWS कंपनी पे एक इंटरव्यू देने गया था, राइट, और उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसका आंसर भी मैंने उनको सॉलिड दिया। और उनका क्वेश्चन ये था कि ये जो मशीन है जिसको मैं अभी तक अपना लैपटॉप समझ रहा था, राइट, और मेरे लैपटॉप में पब्लिक IP है, उसने मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर मेरे लैपटॉप में, या फिर ऐसा उन्होंने उसने मुझसे बोला था कि ये लैपटॉप जो है ये हमारा इन हाउस का है, ठीक है, इन हाउस का लैपटॉप है और प्राइवेट नेटवर्क के साथ चल रहा है, मतलब इस पे कोई पब्लिक IP नहीं, इसमें प्राइवेट IP है और उस प्राइवेट IP कहीं से भी रीचेबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ इंटरनल इन हाउस ही रीचेबल है दूसरी मशीन के साथ, बाहर इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं है, और इस मशीन में इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। और मैं उसने मुझसे ये बोला था कि मुझे इस मशीन पे बकेट माउंट करना है, बकेट एक्सेस करना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस लैपटॉप पे इंटरनेट भी नहीं है, ये लैपटॉप ऑन प्रेमिसेस का है, ठीक है, और इस पे मैं बकेट माउंट करना चाहता हूँ जो AWS के अंदर S3 के सर्विस में, तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा था, ठीक है। इसका आंसर भी मैंने उनको बहुत सॉलिड दिया। पहला आंसर मेरा ये था कि हम इस लैपटॉप को क्या करेंगे, वाया DC बोले तो डायरेक्ट कनेक्ट या फिर VPN, ठीक है, वाया क्या करेंगे, DC या डायरेक्ट कनेक्ट, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट कनेक्शन बनाऊंगा अपने इसके साथ, ठीक है, ये मेरा DC, DC स्टैंड फॉर डायरेक्ट कनेक्ट। तो मैंने उनको सलूशन ये दिया था कि आपका जो लैपटॉप है, जो आपका लैपटॉप है इन हाउस में है, आप अपने इन हाउस को AWS के VPC के साथ पहले डायरेक्ट कनेक्शन से कनेक्ट कर लो, ठीक है। और देन उसके बाद उसने मुझसे बोला कि यार डायरेक्ट कनेक्ट हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, राइट, बट तब भी नहीं हो रहा, उसने ये बोला। तो फिर उसको मैंने नेक्स्ट आंसर दिया कि आप क्या करो, एक एंड पॉइंट भी क्रिएट करो, VPC एंड पॉइंट,
और उस एंड पॉइंट को अपने बीपीसी के साथ अटैच करो, ठीक है, और देन उसके बाद आप अपने रूट टेबल पे जाके रूट डिफाइन कर देना। ये सोल्यूशन मैंने उनको दिया था, ठीक है, तो इस सोल्यूशन से बहुत हैप्पी भी हुए थे, राइट। और दूसरा देखो दोस्तों, एक तो ऑन प्रेमिसेस को AWS की VPC को कनेक्ट करने के लिए एक तो DC सर्विस होती है और दूसरी होती है VPN, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वाया VPN के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में मैं लिख देता हूँ VPN, ठीक है। तो DC और VPN जो होता है वो आपका ऑन प्रेमिसेस को AWS से कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, बट एंड पॉइंट भी आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप प्राइवेट नेटवर्क से बैठ के SSH को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन मैंने उनको दिया था, तो मुझे लगा कि आपको भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है नेक्स्ट किसी भी कंपनी में इंटरव्यू पे जाएं AWS के लिए, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हुआ होगा और आप इसकी लैब करोगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।